नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कार सेवा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे कि जो मारुति का रिट्स है, पेट्रोल है, इसके अंदर कस्टमर कंप्लेंट है कि उसका जो स्टेयरिंग है ये हार्ड है। तो इस फॉल्ट को अपन चेक करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आपको एक बार मैं लाइव फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मारुति रिट्स, तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन किया तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो स्टेयरिंग का लाइट आ रहा है, लेकिन जैसा भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये लाइट जाना चाहिए। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई, बाकी का पूरा सब लाइट चला गया, लेकिन यहाँ पे जो स्टेयरिंग का येलो कलर का साइन है ये कंटिन्यूसली ऑन है। और ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। और ये स्टेयरिंग पूरा जाम है, इसको एक उंगली से घूमना चाहिए, लेकिन ये पूरा मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो भी ये पूरा जाम है। यही कंप्लेंट है, तो इसको अपन क्लियर करेंगे। और उसके लिए अपन एक्सटूल PS70 Pro स्कैनर के ऊपर उसको एक बार स्कैन करते हैं। यहाँ पे उसका मैंने DLC कनेक्टर में स्कैनर कनेक्ट कर दिया कार का। जाएंगे डायग्नोस में, करते हैं इग्निशन स्विच ऑन। इंडिया मारुति, इन सुजुकी ओल्ड मिनू, और ये अपना रिट्स है। जाते हैं रिट्स में, इंडिया रिट्स। मैनुअल है, ओके। मैनुअल ट्रांसमिशन, सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और अपने ये पावर स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है, तो पावर स्टीयरिंग को एक बार रीड करता हूँ मैं। रीड ट्रबल कोड करेंगे तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड हो रहा है, शो हो रहा है सेकंड नंबर C1155 PS पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल इंटरनल फेलियर बता रहे हैं। तो पावर स्टीयरिंग का जो कंट्रोल मॉड्यूल है, इसने डायरेक्टली फॉल्ट बता दिया है कि इंटरनल फेलियर है, मतलब इसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है। तो आपको EPS मॉड्यूल का जो लोकेशन है पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल का, वो भी दिखाता हूँ। इसके लिए गियर का ये खोलना पड़ता है कवर, गियर का डंडी, और यहाँ पे इसका EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसके अंदर प्रॉब्लम है तो अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर मेरे पास दूसरा EPS है, वो अपन एक बार डाल के देखते हैं। मैंने दूसरा सेम पार्ट नंबर लाया हुआ है, V4। तो इसको एक बार लगा के देखते हैं और देखेंगे कि अपना प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है कि। इसको अपन निकालते हैं और रखते हैं साइड में और लगाएंगे दूसरा वाला। फिटिंग कर दिया मैंने, सेकेंड यूज, और ये कार का है। तो एक बार गाड़ी को मैं इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ, लाइट आ गया EPS का, और गाड़ी को एक बार करते हैं क्रैंकिंग। गाड़ी का जैसे भी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो EPS का साइन चला गया। गाड़ी को मैं एक्सीलरेट करके भी दिखाता हूँ और देखेंगे तो ये स्टीयरिंग अपना ये बिल्कुल फ्री हो गया, ये एक उंगली पे घूम रहा है स्टीयरिंग। और साथ में अपन स्कैनर के ऊपर इसका फॉल्ट कोड भी चेक करते हैं, रीड ट्रबल कोड। तो यहाँ पे दिखा रहा है नो ट्रबल कोड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का था EPS मॉड्यूल का। तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको
इससे बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।